ट्रेनिंग ग्राउंड में किल्स करो, फ्री फायर को रीस्टार्ट करो, फिर जैसे आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओगे आप पाओगे आपके किल्स जीरो हो जाएंगे। अच्छा तो स्कैम हो जाएगा यार फिर। कोई नहीं, फिर से मैं आ चुका हूं यहां पे ट्रेनिंग ग्राउंड में। फिलहाल के लिए मेरी किल्स की तरफ गौर करोगे तो वो जीरो है और तुमको पता रहेगा मैं रॉक। हाँ तो मैं तुम लोगों को बोल रहा था मैं फटाफट से इन सभी बंदे लोगों को मार देता हूँ और आपको डायरेक्टली किल करने के बाद मिलता हूँ। ओके, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद तुम्हारे मैंने फाइनली किल कर दिया है 15 किल्स जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब हम लोग गेम को रिकनेक्ट करके देखते हैं कि क्या ये हमारे 15 के 15 किल चले जाएंगे। लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं एकदम कोने में बैठ जाता हूँ एंड फटाफट से करते हैं गेम को यहाँ से कट। दिल मेरा धक 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 हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत से मैंने 15 किल किया था। और गेम स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, क्या हमारे किल्स रहेंगे, क्या हमारे किल्स नहीं रहेंगे, ये सभी का सवाल का जवाब जानने के लिए आपको बस एक सेकंड और रुकना है क्योंकि यहाँ पे मेरा गेम रिकनेक्ट हो रहा है। ट्रेनिंग ग्राउंड में बस मैं पहुंचने वाला। लेट्स सी क्या मेरे किल्स 15 से 0 होते हैं या 0 से 15। अभी भी मेरे किल्स 15 के 15 ही है भाई साहब। एक और बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता कुछ इशू वगैरह होगा। तो एक काम करते हैं, 15 किल किया ना, अब हम लोग पहले यहाँ पर जाते हैं। कहाँ पर? बैटल रेंज में। अब बैटल रेंज से हम लोग करेंगे गेम को हटा देंगे। अब करते हैं फ्री फायर को ओपन। ठीक है, मेरा गेम रिकनेक्ट हो रहा है, फटाफट से देखते हैं क्या होता है। ओके, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस जगह पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो किल्स मेरा जीरो बता रहा है। तो हम लोग जाकर वहाँ पर देखा रहे जहाँ से हम लोग एक्चुअली खेल रहे थे। तो वहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो मेरे किल्स, ओ भाई साहब। तो वेलकम टू स्कैम फ्री फायर। यहाँ पर आपके साथ स्कैम हो जाएगा अगर आप ये ट्रिक को ट्राई करेंगे। किल्स अगर आपके कितने भी रन दो वो मायने नहीं रखता, बट अगर आप अगर ये ट्रिक को ट्राई करोगे ना तो उसके बाद डायरेक्टली आपके किल्स जीरो हो जाएंगे। तो अगर आपको अपने किल्स 15 से जीरो करना है तो आप लोग ये ट्रिक को ट्राई कर सकते हो। ज्योति श्रीवास्तवा, इन्होंने हमें एकदम बेहतरीन ट्रिक बताई है। तो इनके अनुसार इन्होंने बहुत बड़ा रामकथा लिख दिया, बट चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या बताने की कोशिश करी है। पहले पैराग्राफ में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहती है कि हम एलिमिनेट हो जाए, और जैसे हम लोग एलिमिनेट हो जाएंगे ना, हमारे फ्रेंड को क्या करना है कि वो वेंडिंग मशीन के टोकन रखे अपने पास और वेंडिंग मशीन से रिवाइवल कार्ड के थ्रू हमें रिवाइव करे, और वो तुरंत जैसे हमें रिवाइव करे हमारा फ्रेंड एलिमिनेट हो जाए। और उसके बाद जब हम लोग रिवाइवल पॉइंट के पास पहुंचेंगे ना एयर में, ठीक है अभी नॉर्मली हम लोग स्पॉन हो रहे हैं तो हम लोग एयर में ही रहेंगे, फिर एयर में जब हम लोग रिवाइवल पॉइंट के आसपास घूमेंगे ना तो हम पाएंगे हम लोग हमारे फ्रेंड को एयर से ही रिवाइव कर सकते हैं। तो जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, तुम्हें वो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे एफ जी अभी एलिमिनेट हो चुका है। मेरा फ्रेंड जिसका नाम रिकी है वो यहाँ पे वेंडिंग मशीन के पास खड़ा हुआ है। अब ये मुझे रिवाइव देगा नहीं, तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। तो साहब जी आप थोड़ा हमको जल्दी रिवाइव दे देंगे। ओके फाइनली तुम्हारा भाई रिवाइव हो चुका है, और मेरे फ्रेंड को खत्म कर दो भाई, खत्म कर दो रिकी को, पूरा खत्म कर दो। अब देखते हैं कि हमारा फ्रेंड रिवाइव होगा कि नहीं। देखो मैं रिवाइवल पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर हूँ, अगर तुम लोग मैप की तरफ ध्यान से गौर कर पाओगे तो। और यहाँ से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मेरा फ्रेंड रिवाइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एयर में से मेरा फ्रेंड रिवाइव नहीं हो रहा है। यस, मैं जितना ज़्यादा नीचे जा रहा हूँ भाई, सब फेल ट्रिप्स एंड ट्रिक बताया गया तुमने। वेल होगा मेरे हिसाब से होगा। लेट्स सी नीचे जाने का क्या पता, कोई हम लोगों को ट्विस्ट पता चले। एंड गाइस एक चीज़ मुझे लगता है कि ये ट्रिक वर्क नहीं करती है, बिकॉज मैं नीचे आने के बाद रिवाइव हो रहा है। Yeah. आपका फ्रेंड कभी भी एयर में रिवाइव नहीं हो सकता। अगर आपको अपने फ्रेंड को रिवाइव करना है तो आपको स्वयं धरती माँ के पैर चूमने होंगे, तभी जाकर हमारा फ्रेंड रिवाइव होगा। आइए नेक्स्ट ट्रिक कर बढ़ते हैं। तो प्रदीप पटेल जी का क्या कहना है, स्कैलर कैरेक्टर लो, सोशल जोन में जाके क्राफ्ट टूल लो, उसे लगाओ, स्कैलर की एबिलिटी को यूज करोगे तो मैजिक पाओगे। तो जैसा कि उन जनाब ने कहा था हम वही चीज को ट्राई करने वाले हैं। वेल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो स्कैलर की एबिलिटी वर्क कैसे करती है, उसे पता तो सबको रहेगा बट फिर भी बता देता हूँ। तो सीन क्या है, अगर हम लोग स्कैलर कैपेबिलिटी को यूज करते हो, अगर हमारे सामने एक या दो ग्लू वॉल है तो वो ग्लू वॉल को फोड़ देगा विद इन अ सेकंड। ये हमारी स्कैलर कैपेबिलिटी एबिलिटी। तो मुझे क्या लगता है तुम्हें पता है, ये एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही सिमिलर होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग ऐसा यूज करेंगे तो क्राफ्टिंग टूल को भी फोड़ देगा एक साथ, और अगर फोड़ देगा ना तो समझ जाओ हम लोग बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया और हम लोग बन चुके हैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। तो मैंने क्राफ्टिंग टूल ले लिया, फटाफट से हम लोग उसको स्लैंटिंग मोड में डालते हैं। यहाँ पर लगाया मैंने क्राफ्ट टूल, करते हैं हम लोग इसे यूज स्कैलर की एबिलिटी को एंड देखते क्या ये फूटेगा। तो मैंने यूज कर लिया, प्रेस क्यों नहीं हुआ बे, वापस यूज करते हैं। ओ यस यस यस, क्या आप लोग ने देखा, ध्यान से देखना गाइस, स्लोमो में आपको दिखा रहा हूं। यहां पर सीन ये हुआ कि जैसे मैंने ये चीज लगाई ना,
वहां पर क्या हुआ, ये जो मेरा बक्सा था सामने, जो भी तुम इसे कहो, ये तुरंत फूट गया विद इन अ सेकंड जैसे मैंने स्काइलर कैपेबिलिटी को यूज की। अब याद रहे, स्काइलर क्या कर सकता है, ग्लूऑल को भी फोड़ सकता है और प्लस हमारे इस क्राफ्टिंग टूल को भी फोड़ सकता है, याद रहे दो चीज को। ओके मिथ, आप क्लैश कोड में नॉक होने के बाद आप अपने दोस्त को बोलो लास्ट एनिमी को मार दे, उसके बाद जब आपका फ्रेंड आपको रिवाइव देगा तो आपको बेसिकली सभी बटन्स दिखने लग जाएंगे। देखो आपको पता है ये बात कि बुया होने के बाद हमारे सभी बटन्स इनविजिबल हो जाते हैं, ये गरीना की परंपरा है, काफ़ी सालों से चलती आ रही है कि वो बटन्स हमें शो नहीं करते हैं, बट ये ट्रिक की मदद से क्या हम लोग बटन्स देख पाएंगे, मजा आ जाएगा, लेट्स ट्राई। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों का मैच स्टार्ट हो चुका है, तो आज इस ट्रिक को भी हम लोग फटाफट से ट्राई करके देख लेते हैं। तो सामने से बंदी आ रही है हमारी जो कि हमें मार के एलिमिनेट होगी, तो हम लोग ये सभी कार्य जोन के पास करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बंदी आ चुकी है, सो बंदी मुझे मार दियो फटाफट से, तुम्हें मुझे नॉक करना है एंड इससे मुझे यहाँ से, ओके फाइनली इसे मुझे नॉक कर दिया, ये जा रही है बाहर एंड जैसे ये एलिमिनेट होगी, भाई ये मोट मार रही है तो एलिमिनेट कब होगी, ओके फाइनली ये एलिमिनेट हो गई है, ओके नाइस वन, यहाँ पे उसका रिवाइव और जी हाँ गाइस ये ट्रिक पूरी तरह से वर्क कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सभी के सभी बटन्स विजिबल है बुया होने के बाद, विच इज क्वाइट अनबिलीवेबल। अगर आप लोग गलती से भी ट्रिक को बताते हो ना, मजाक नहीं करो, फ्रेंड पूरी तरह से सरप्राइज हो जाने वाला, क्योंकि आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे, भाई मतलब कैसे होता है ये, कैसे कर लेते हो ये सब ट्रिक, ढूंढ कैसे लोग यार, बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके पास भी कोई मिथ कोई ट्रिक है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब वेंडिंग मशीन के पास जाओ, इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर दो, पिंग 99 होने का वेट करो, कोई भी गन को कंटिन्यूसली बाय करो, थोड़ी देर बाद गेम को रिकनेक्ट करो, फिर गेम में जाओ मैजिक मिलेगा। ठीक है, हम लोग थोड़ी देर बाद ये सभी मैजिक देखने को मिलेगा, सामने बंदा आ गया भाई सब। ओके कोई नहीं, हम लोग यहाँ पे फिर से अगेन आ चुके हैं ऑब्जर्वेटरी के वेंडिंग मशीन के यहाँ पे, तो हम लोगों को यहाँ पर आना था, तो हम लोगों को करना है इंटरनेट कनेक्शन को ऑफ कर दिया मैंने, अब फटाफट हम लोगों को कोई भी गन परचेस करना है, पहले 99 प्लस पिंग हो जाए, तो पिंग हमारा कंटिन्यूसली आगे बढ़ती जा रहा है और फाइनली 99 प्लस पिंग, तो मैं लूंगा थॉमसन। ठीक है, बाय 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 बाय। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ओके, अब हम लोगों को थोड़ी देर बाद गेम को रिकनेक्ट करना है, तो मैं बाइप के ऑप्शन पे कंटिन्यूसली प्रेस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से इतना बस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गेम को करते हैं कट, लो कर दिया गेम को, हटा दिया बैकग्राउंड से, फिर से ओपन करते हैं फ्री फायर मैक्स को। किसी भी वक्त मेरा गेम रिकनेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे मेरा गेम रिकनेक्ट हो रहा है, लेट्स सी कैसा मैजिक देखने को मिलेगा हम लोगों को, क्या हम लोग पास अनलिमिटेड थॉमसन हो जाएगा, देखते हैं फिलहाल के लिए। तो मेरे पास 5 टोकन पहले से पड़े थे, वो भी 5 टोकन के 5 टोकन पड़े हुए हैं, थॉमसन भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैजिक क्या मिला, ट्रिक वर्किंग नहीं है, बंदी भी मिल गई। सो गाइस, ये भाई क्या कह रहे हैं कि अगर आप एटम कैरेक्टर से ग्लू वॉल फोड़ोगे तो वो 35 डैमेज फीस डैमेज में फुटेगा, बट वहीं अगर आप कला कैरेक्टर से भी ग्लू वॉल को फोड़ोगे तो वो भी 35 डैमेज में फुटेगा। आर यू सीरियस, क्या तुम सही हो, लिटरली भाई सब कला कहाँ और एडम कहाँ, एडम हमारा कलवा एडम है भाई, वो ढंग से ग्लूवॉल नहीं फूट पाएगा। एनीवेज, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी के पास ग्लूवॉल के साथ, तो ये देख लो ये है हमारा गोरवा एडम, तो इसके साथ हम लोग ट्राई करने वाले हैं, और अब मैं ग्लूवॉल लगाऊंगा और ग्लूवॉल लगाने का सिर्फ आप लोगों को गेस करना है, मतलब कि काउंट करना है कि भाई यहाँ पे मैं कितने फीस डैमेज में उसे मार रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले कटाना ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने ग्लूवॉल, आप भी काउंट करो, मैं भी काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. ठीक है, ऑल सेट, बंदे ने जैसा बोला था 35 डैमेज मतलब 35 फीस डैमेज लगेगा, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एडम 35 में ही फोड़ा है, बट क्या कला भी पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला ऐसा, बिकॉज एडम एंड कला बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे ब्रो। ठीक है, वही जगह वही प्लेस, और आ चुका है हमारा फाइटर कैरेक्टर कला, वेट हेलमेट निकाल देता हूँ, ये देख लो ये है हमारा फाइटर कैरेक्टर कला, तो आज हम लोग इसके साथ ट्राई करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग एक ग्लू वॉल लगा, वेट कटाना भी निकाल दूँ। ओके सो ना हम लोग लेते हैं यहाँ पर ग्लू वॉल, एक ग्लू वॉल को लगाते हैं यहाँ पर, और फीस डैमेज काउंट करना कितना होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. WTF, what is this?
मतलब कि हद है यार, कला कहाँ, कला कहाँ एडम, और कला लिटरली 35 और एडम भी 35। ओ ब्रो दिस इज जस्ट ग्रेट, आप लोग यूज करके अपने फ्रेंड को अमेज कर सकते हैं, तो ट्राई जरूर से जरूर करना गाइस।